हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। छुट्टियों को बच्चों आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, तो अब फिर हमें वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाना है। ठीक है बच्चे, तो देखो हमारे पास स्क्रीन पे हमारी 10th क्लास की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई बुक हमारे पास आ चुकी है, जिसका जो कवर पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है बच्चे, इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, जो भी ब्लीक चेंजेस हुए हैं मैं वो आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए जो चेंज हुए हैं, आप सभी को पता जो पैटर्न है हमारे पास, वो पैटर्न कैसे है इसका, वो पैटर्न बच्चे वही हमारे पास दो पार्ट हैं इसके अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आती हैं, और पार्ट बी में जहाँ पर आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स आती हैं। जो पार्ट ए होगा वो 10 मार्क्स का होगा, और जो पार्ट बी होगा वो 40 मार्क्स का होगा। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर है। आप सभी को मैं ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिकवर करा रहा हूँ चीज़ों को। और जो बाकी 50 मार्क्स होंगे उनका आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चे। ठीक है, तो याद रखना है इन सब चीज़ों को। और जो सिलेबस है आपका, उसमें चेंज क्या हुआ है नई बुक के अकॉर्डिंग, तो देखो बच्चे आपके पास पहले पार्ट बी के अंदर 6 यूनिट्स थी आपके पास। ठीक है, जिसमें 4 तो पहले की सेम यूनिट्स हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वेब एप्लीकेशन है। और जो इसमें से हटाई गई हैं 2 यूनिट्स, एक ईमेल मैसेजिंग की यूनिट थी, ठीक है, और दूसरी आपके पास आपकी वर्ड प्रोसेसिंग की यूनिट थी। इन दोनों यूनिट्स को यहाँ से हटा दिया गया है, और इन सभी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो एक तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो इनको यहाँ से हटा के इन्हीं के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है बच्चे। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है बच्चे हमारा जो पार्ट ए का जो सेकंड पार्ट था ना, हमारा यूनिट 2 थी। कौन से वाले बच्चे, हमने छुट्टियों से पहले कवर कर रहे थे यूनिट 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 सेशन थे, लेकिन जो नई बुक के अकॉर्डिंग है यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे सेशन हैं। तो हम उन दो पुरानों दोनों को सीखते हुए इनको भी साथ में सीख लेते हैं, और आज से हम लोग जो अपना सिलेबस कवर करेंगे वो नई बुक के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चे, बुक लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है। बाकी आपको मैं नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाता रहूँगा, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ से कवर कराता रहूँगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से बुक में से देख के सारा कुछ कवर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन 2। कहता है हमारे पास जो यूनिट 2 है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं। ठीक है, हमारे पास 8 सेशन हैं। पहला सेशन हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, तो बच्चे आइए इसको कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आप सभी को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, सेल्फ मतलब खुद को मैनेज करना, मतलब खुद को संभालना हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो स्किल्स होती हैं वो एबिलिटीज़ आप लोगों के पास होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना होगा। कहता है कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को पूरा करने के लिए या इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें खुद के बारे में जानना होगा कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, क्या हमारी पावर है, क्या हमारे स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझना पड़ेगा। कहता है बिलीव्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहला कहता है बिलीफ। देखो बच्चे बिलीफ क्या होते हैं, बिलीफ एक ऐसी टर्म होती है कि आप लोग मानते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, कोई मानता है भगवान होता है, कोई मानता है भगवान नहीं होता, कोई कुछ और कहता है बच्चे, वो आपके सर्टेन बिलीव्स हैं, सब लोगों के पर्टिकुलर बिलीव्स हैं। कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है। ठीक है, और अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग कहता है फॉर एग्जाम्पल वंस बिलीफ इन अ फ्रेंडशिप और सुपरस्टिशन। कहता है कि कोई दोस्ती में विश्वास रखता है, कोई अंधविश्वास में विश्वास रखता है। याद रखना बच्चे कि किसी चीज़ में विश्वास ना रखना भी एक विश्वास होता है। ठीक है, ये आपके बिलीव्स होते हैं। वैल्यूज़ बच्चे कि आपकी सर्टेन मोरल्स होते हैं कि आप इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, ये आप वैल्यूज़ देते हैं सबको। ठीक है भाई,
आगे वो कहता है हमारे पास कि भाई कुछ लाइक्स, सबके कुछ सर्टेन लाइक्स होते हैं, मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे साइंस पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है, ठीक है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खेलना पसंद है, कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ठीक है। जनरली बच्चों का होता है मुझे सब्जियों में ये खाना पसंद है, मुझे मैगी पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है, मुझे करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, जनरली कुछ ऐसे डिसलाइक्स या फिर ऐसे लाइक्स होते हैं बच्चों के, ठीक है। आगे कहता है ओपिनियंस, अब बच्चे एक ओपिनियंस मतलब आप लोगों का भी एक व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि बच्चे आप लोगों को ऐसे खेलना चाहिए, हम लोग ऐसे जीत सकते थे, आप बोलेंगे नहीं सर मेरे विचार के अकॉर्डिंग हमें ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसे ज़्यादा मार्क्स ले सकता हूँ। सबके ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, सबके विचार होते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के ऊपर कोई रिसेंट टॉपिक की बात करता हूँ कि इंडिया और चाइना के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई, ठीक है, हमारे पास बॉर्डर पे झड़प हो रही हैं, तो जिससे क्या होगा बच्चे कि भाई अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चे क्या आप क्या चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाए या फिर चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाए, सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे। कोई चाहता है कि हमें चाइना के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, हमें अपनी ज़मीन वापस ले लेनी चाहिए, सबके अलग अलग विचार हैं, ठीक है। और ऐसे ही बैकग्राउंड होगा, कहता है बैकग्राउंड क्या होता है बच्चे, बैकग्राउंड के हर चीज़ के पीछे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग है, कोई एजुकेशन है, ठीक है, ये सब हमारी चाइल्डहुड से या फिर एजुकेशन से या फैमिली से हम लोगों को मिल जाते हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कोई आपको कैसे जान सकता है, अगर आपको आपको कहता है कि ये फला फला का लड़का है, ये फला फला की लड़की है बच्चे, ठीक है, या फिर आपको कहेंगे ये देखो ये इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर है, ये देखो ये इंडिया में साइंटिस्ट है, ये नासा का साइंटिस्ट है, ये इसरो का साइंटिस्ट है, ठीक है, ये आर्यभट्ट भारती का छात्र है, ठीक है भाई, कुछ ऐसी आपकी आइडेंटिटी होती है। तो हमें ऐसी आइडेंटिटी अपनी बनानी पड़ती है, आपके बिलीव्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, रिलीजन, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें पहले समझनी चाहिए। आगे कहता है नोइंग योरसेल्फ, देखो बच्चे अपने आप को कंट्रोल करने से पहले या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने से पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें वो जो सर्टेन टर्म्स थी उनको उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आपके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है, ओपिनियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। जब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान जाएंगे तभी हम लोग किसी इंसान को पूर्णतः जान सकते हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है देखो बच्चे अब हम जब किसी इंसान को जान लेंगे तो जो उसकी नॉलेज है उसको पूरा करने के लिए हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जानना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हमारे बार बार हमारे देश को छेड़ता रहता है, बार बार आतंकी घटनाएं करता रहता है, कारण क्या है, उसको पता है कि क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, उसको पता है वो एक फुल फ्लेश्ड वॉर हमारे साथ झेल नहीं सकता, तो वो छोटी छोटी आतंकी घटनाएं करता रहता है कि हमारे देश के लोगों को, सरकार को, कि वो परेशान कर सके, ठीक है भाई। उसकी उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पूरा एक वॉर झेले हमारे साथ, क्योंकि वो पहले 3 वॉर हार चुका है। सेम केस चाइना के साथ है, चाइना को भी पता है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ठीक है, उसको हम लोग हरा नहीं सकते। तो हमें किसी भी, देखो मैंने आपके आपके पास मैं एक ये बड़ा वॉर्स एग्जांपल लेके गया हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर मैं एक छोटे के लेवल पे बात करता हूँ, एक माइक्रो लेवल पे बात करता हूँ कि हमें हर एक चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर इसकी ताकत है, किस पॉइंट पर इसकी कमजोरी है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, कोई भी बॉलर होता है, बैट्समैन को बॉलिंग करता है, उसको पता होता है कि मुझे बॉल यहाँ पर फेंकूंगा इसको तो ये छक्का मार देगा, यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर यहाँ इसके पैरों में या यॉर्कर बॉल फेंकूंगा इसको तो मतलब यहाँ पर वीकनेस है, यहाँ पर ये खेल नहीं सकता, ठीक है। तो उन वीकनेसेस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। आगे वो कहता है कि अगर हम ये सब जान लेते हैं तो उससे होगा क्या, कहता है बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन नो व्हाट वी कैन और वी कैन नॉट, कहता है अगर हम खुद के बारे में जान लेते हैं, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेते हैं, तो उन सब चीज़ों को जानने के बाद हमें ये पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या कर नहीं सकते, ठीक है। आगे कहता है बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन, इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग, कहता है कि प्लेस व्हाट वी कैन डू और इम्प्रूव अवर सेल्फ, कि जो हमारे पास वीकनेसेस हैं उनको जानने के बाद हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं और एक अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और इम्प्रूव करने के बाद क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस फील होगा अपने बारे में, ठीक है बच्चे।
आगे कहता है टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की है ना, उसको जानने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहता है बच्चे क्या कहता है, देखो टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, कि सबसे पहले तो अपने बारे में जानने के लिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं टाइम लीजिए। आप ये नहीं है कि आप एक मिनट में झट से चुटकी बजाएंगे और बता देंगे मैं तो ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको लोगों को बोलता हूँ कि बच्चों आप लोग जाओ पहाड़ चढ़ जाओ, आप चुटकी बजा के बोलेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में सर हम चढ़ जाएंगे, बाद में आपसे वो होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए पहले टाइम लो कि आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट्स में मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सारे बच्चे लिख के बताना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं, और प्रॉपर इवेल्युएशन करना बच्चे। कोई एक उड़ते ख्याल मत बनाना, सर मैं ये कर सकता हूँ, सर मैं वो कर सकता हूँ, नहीं। जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताना। अगले पॉइंट में कहता है थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू कैन ऑलवेज गुड एट, सबसे पहले आप ये सोचो कि आप लोग सबसे अच्छे किस चीज में हैं। ठीक है, सर मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, सर मैं खेलने में अच्छा हूँ, सर मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ, सर मैं रनिंग में अच्छा हूँ, मैं बाइसाइकिलिंग अच्छी करता हूँ बहुत ज़्यादा। जो आप जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं उस चीज़ के बारे में जानिए। ठीक है, और थिंक व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, और ये जानिए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या अप्रिशिएट करते हैं, आपकी क्या अच्छाइयाँ वो गाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप लोग जान लेते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। अगर आपको अपनी वीकनेसेस जाननी है तो उसके लिए कहता है पॉइंट आउट एरियाज वेयर यू स्ट्रगल, कि उन एरियाज को फाइंड आउट करो, उन जगह को फाइंड आउट करो कि आप वहाँ पर कमज़ोर हैं। ठीक है, लोगों से फीडबैक लो कि आप लोगों के अंदर क्या कमी लगी है। ठीक है, और उन फीडबैक के बेसिस पे आप अपने एरियाज उन एरियाज के अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए, जिससे आप लोग अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना बच्चे कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं, और जो आपकी वीकनेसेस होंगी आप उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे इसके बारे में ज़रूर लिख के बताना बच्चे। ठीक है, आगे कहता है कि देखो बच्चे, इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चे, इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं कि आप जो खाली टाइम पे बैठ के करना चाहें, जैसे आप दिन में खाली बैठे हैं, चलो लूडो खेल लेते हैं, चलो कैरम बोर्ड खेल लेते हैं, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं। ठीक है, आपके इंटरेस्ट हैं। ठीक है भाई, जो आपको खुश करें, जो आपके मन को हैप्पी करते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके माइंड में क्यूरोसिटी बढ़ाएं, ये देखो भाई पानी ऐसे क्यों गिर रहा है, धूप ऐसे ही क्यों आ रही है। ठीक है, या फिर आप जो फ्यूचर में करना चाहे, जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप करती हैं, और जो एबिलिटीज़ हैं वो एबिलिटीज़ क्या बच्चे, देखो एक इंटरेस्ट की बात करूं तो आप इंटरेस्ट को अपने चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को फर्निश कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, देखो बच्चे, अगर हमारे घर पे एक लकड़ी का बोर्ड आता है तो जो एक कारपेंटर होता है वो क्या करता है, उस बोर्ड को फर्निश करके एक अच्छी विंडो, अच्छा गेट, ये सब उसमें से बना सकता है। पहले तो एक रॉ गेट आता है वो, फिर उसमें से वो एक विंडो, एक गेट, ठीक है, एक LED पैनल, वो काफ़ी चीज़ें उसमें से बना के फर्निश कर देता है। ऐसे ही आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो वो आपके पास एक रॉ बच्चा आएगा, उस बच्चे को एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा स्विमर, ये सब वहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर आप लोग ये जान सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। अगर एबिलिटीज़ की बात की जाए बच्चे, एबिलिटीज़ होती हैं आपकी वही स्किल्स, आपकी योग्यताएं, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आपकी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपकी एबिलिटीज़ होंगी बच्चे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ पूरा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर अपने जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं उनको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।